दोस्तों आज हम एक और इम्प्रोवाइजेशन करेंगे और आज का जो इम्प्रोवाइजेशन होगा वो साइलेंट होगा। उसमें कोई शब्द नहीं होंगे, कोई डायलॉग्स नहीं होंगे, सिर्फ उसमें बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस होंगे। ये इम्प्रोवाइजेशन करने का मेरा मकसद ये है आप लोगों को या जो हमारी ऑडियंस है, जो लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, उनको ये बताना कि एक्टिंग जो है वो सिर्फ लाइनें बोलना नहीं है। लाइनें तो एंड में आती हैं, एक्टिंग जो है इमोशंस को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का आर्ट है। और जो लाइंस हैं, जो डायलॉग्स हैं, वो उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का एक मीडियम है। क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि सर डायलॉग कैसे याद करेंगे, स्क्रिप्ट कैसे याद करेंगे, स्क्रिप्ट के बारे में बताइए। तो उन लोगों से मेरा ये कहना है कि हर चीज का ना एक सीक्वेंस होता है। जैसे कि अगर आपको कहानी लिखनी है तो पहले आपको अल्फाबेट सीखने पड़ेंगे, ABCD या जो AI, जो भी जिस भी भाषा में आपको अल्फाबेट्स आप पहले सीखते हैं, फिर आप शब्द बनाना सीखते हैं, फिर आप वाक्य बनाना या सेंटेंस बनाना सीखते हैं, फिर आप ग्रामर सीखते हैं, ग्रामर सीखने के बाद फिर आप पैराग्राफ लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं, उसके बाद फिर आप लिखना सीखते हैं। अब अगर आप ये सोचें कि नहीं हम अल्फाबेट्स या ABCD ना लिखें, आप सीधा कहानी लिखना सीखें, तो ये पॉसिबल ही नहीं। एक्टिंग में भी ऐसा ही है। अगर आप बेसिक इमोशंस, इमोशन को समझना, फीलिंग्स को समझना, कैरेक्टर को समझना, इन सब चीजों को छोड़ के सीधा आप अगर लाइनों पर जाते हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि लाइनें जो एक्सप्रेस करती हैं वो एक कैरेक्टर की फीलिंग को, कैरेक्टर के इमोशन को एक्सप्रेस करती हैं। तो लाइनें बोलने से पहले आपको कैरेक्टर का पता होना चाहिए, आपको फीलिंग्स का पता होना चाहिए, आपको इमोशंस का पता होना चाहिए। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि सिर्फ लाइनें रटने से, लाइनें याद करने से एक्टिंग नहीं होती। बहुत से लोग सोचते हैं कि ठीक है हम ये एक पेज का डायलॉग हमने पढ़ के बोल दिया तो हो गई एक्टिंग। ठीक है, आपने ये एक पेज का डायलॉग रट लिया, याद कर लिया और आपने बोल दिया, पर उसमें कोई इमोशन नहीं है, कोई फीलिंग नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं, तो उस डायलॉग बोलने का कोई मतलब नहीं, उसका कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि जो फीलिंग जो कन्वे होगी वो कैसे होगी, वो तो खत्म हो गई, वो तो आपने एक्सप्रेस किया ही नहीं। वहीं अगर आप प्रॉपर इमोशन के साथ बोलते हैं, प्रॉपर फील के साथ बोलते हैं, कैरेक्टर को समझ के बोलते हैं, पर आप पूरा डायलॉग आपको याद नहीं है, आप दो दो तीन तीन लाइन करके, तीन चार लाइन करके भी बोलते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है, हम कट कट करके शूट कर सकते हैं और उस डायलॉग को हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पूरा डायलॉग विदाउट इमोशन, विदाउट फीलिंग आपने बोल दिया, उसका कोई मतलब नहीं। तो ये आज की जो एक्सरसाइज शूट करने का मतलब यही है, आपको ये समझाना कि भाई अगर आपको एक्टर बनना है तो फीलिंग्स हैं उनको समझो, इमोशंस हैं उनको समझो, कैरेक्टर्स को समझो। लाइनें इंपॉर्टेंट हैं, बट लाइनें सबसे एंड में आती हैं, और जो चीज सबसे एंड में आती है तो उसके बारे में जो हम बात करेंगे सबसे एंड में ही करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप शुरुआत की जो बेसिक चीजों को बाईपास करके अगर आप सोचते हैं कि नहीं हमें सिर्फ लाइनें ही बोलना सीखना है, तो मैं ये कहूंगा कि ये एक मतलब एज एन एक्टर आपके लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं तो यही कहूंगा कि आप बेसिक चीजों शुरू से लेके चलें, लाइनें एंड में आएंगे, हम प्रॉपर स्क्रिप्ट के ऊपर बात करेंगे, डायलॉग्स के ऊपर प्रॉपर बात करेंगे, लेकिन जो सीक्वेंस में होगा उसी में बात करेंगे, जिस जब उनका नंबर आएगा तब हम बात करेंगे। और एज एन एक्टर हर चीज इंपॉर्टेंट है, फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है, इमोशंस इंपॉर्टेंट है, बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, और किसी भी चीज को हम बाईपास करके सीधा लाइनों के ऊपर नहीं जा सकते। तो आज के इस एक्सरसाइज में, इस इम्प्रोवाइजेशन में एक छोटी सी सिचुएशन हमने क्रिएट की है कि हमारे जो भी एक्टर्स हैं वो बाहर से आएंगे और उनको कोई ऐसा कागज ढूंढना है जिसकी उन्हें बहुत ज़रूरत है, और जिंदगी और मौत का सवाल है, अगर वो कागज नहीं मिलता है तो वो फिनिश, उनकी लाइफ फिनिश हो सकता है। कोई कोर्ट केस चल रहा हो या कहीं कोई प्रूफ देना हो, कहीं कुछ उसकी बहुत ऐसी अर्जेंट ज़रूरत है कि अगर वो नहीं मिलेगा तो उनकी लाइफ फिनिश है। तो वो सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने एक्सप्रेशन से ये आपको दिखाएंगे कि उस कागज की कितनी जरूरत है, और वो नहीं मिलने से उनकी लाइफ फिनिश हो गई। और ये जो चीज़ है सिर्फ आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन से देख सकते, यानी
यहाँ हम कोई डायलॉग कोई शब्द एक शब्द भी हम यूज नहीं करते। तो चलिए पहले हम देखते हैं फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। नहीं मिला फिनिश। रोना शुरू कर दो। फिनिश नहीं मिला। लुक कैमरे में दिखना चाहिए। अभी जी सर, तो अभी ये जो तुमने सिचुएशन परफॉर्म की जी, क्या सोचा था, क्या फील किया था? एक्चुअली सर, जब मैं यहाँ पे आया बाहर से तो मेरे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कागजात जो है गुम हो चुके हैं और वो मिल नहीं रहा है, और उसे ढूंढना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर नहीं मिला तो फिर मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं, मेरी ज़िंदगी ख़त्म है। सो मैंने वो सोचा और मैं आया वैसे ही और वैसे रिएक्ट किया। तो मींस कहने का मतलब ये है कि अगर आपको परफॉर्म करना है, एक्टिंग करना है, तो लाइंस उतनी इम्पोर्टेंट नहीं, फीलिंग्स और इमोशंस उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जी सर बिल्कुल। जी सर बिल्कुल। और फीलिंग को बताने के लिए उस कैरेक्टर में जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसको फील करना बहुत ज़रूरी है। मतलब फीलिंग पहले ज़रूरी है, लाइंस उसके बाद में आती है। जी जी सर बिल्कुल। ठीक है ना। ओके सर। तो ये जो तुमने परफॉर्म किया, क्या फील किया था, कैसे किया? सर सोच तो यही थी कि मेरे जो इम्पोर्टेंट कागजात है वो मुझे कैसे भी करके ढूंढने हैं, वरना मेरी लाइफ तबाह हो जाएगी। तो मतलब डू और डाई वाली सिचुएशन थी, तो मैं पूरा इंटेंसिटी से ढूंढ रहा था जहाँ पर भी मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वही सोच थी। तो एक चीज़ बताओ कि परफॉर्म करने के लिए विदाउट लाइंस भी हम कर सकते हैं?
हाँ जी, मुझे भी पहले से मिसकंसेप्शन था कि आप लाइन के सिवा परफॉर्म नहीं कर सकते, मतलब लाइन पूरा सोल है वो एक्ट का, बट ऐसे नहीं होता। आपको अगर वो कैरेक्टर में आना है तो आपको पहले वो फील करना पड़ता है अंदर से। लाइनें तो आप अपने आप रट लोगे, वो चीज़ हो जाएगी, बट जो आपका फील आना है वो आप नॉन वर्बली जब आप एक्ट करते हो तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि आपको पूरी सिचुएशन आपके दिमाग में बनानी होती है, पूरी इमेजिन करनी होती है वो सिचुएशन। और एक डिफिकल्ट चीज़ ये होती है कि सामने वाले को पता नहीं होता आप क्या जताना चाहते हो, क्योंकि आपको पूरी सिचुएशन पता होती है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, बट सामने वाले को आप अगर वर्डिंग नहीं यूज़ करें तो सामने वाले को पता नहीं चल पाता कि आप क्या जताना चाहते हो। तो इसके लिए थोड़ा क्रिटिकल भी है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है कि आप जो भी करते हो मेक श्योर कि वो प्रॉपरली हो, आपका हर एक लुक, आपका हर एक जो एक्शन होता है वो आपका जो मैसेज है वो कन्वे कर पाए। तो इसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट भी है, बट इसमें से आप बहुत ज़्यादा सीखते हो, ऐसे ऐसे मेरी राय। तो कहने का मतलब यह है कि फीलिंग्स जो है वो लाइंस से पहले आते हैं। No doubt. Lines जो है वो expression का end में आती है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं सिर्फ लाइनें बोलना एक्टिंग है तो वो चीज गलत है, बहुत पूरी गलत है। तो अभी ये देखा, ये एक सिचुएशन हमारे दोनों एक्टर्स ने परफॉर्म की, कोई उन्होंने लाइन नहीं बोली, कोई एक शब्द नहीं बोला, और मुझे लगता है कि वो जो कहना चाह रहे थे वो उन्होंने अपने हाव भाव से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से वो कह दिया और ऑडियंस को समझ में आ गया कि क्या उन्होंने क्या किया, क्या उन्होंने कम्युनिकेट किया। तो इससे एक चीज हमें पता चलती है कि हमें एज एन एक्टर सिर्फ लाइनों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। लाइनें तो एक पार्ट है एक्टिंग का, एक्सप्रेशन का, बट जो है वो एक्टिंग इससे बहुत गहरी चीज है। हमें अंदर जाना पड़ता है, अपने अंदर जाना पड़ता है, इमेजिन करना पड़ता है, फील करना पड़ता है, फिर हम उसको एक्सप्रेस करते हैं और आखिर में हम लाइनों का सहारा लेते हैं। आखिर में यही कहना चाहूंगा मैं कि प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो कीजिए। डायरेक्ट ये नहीं कि हम लाइनें बोलना सीखें, लाइनें हम एंड में करेंगे, बिल्कुल करेंगे, जरूर करेंगे, और बहुत डिटेल में हम काम करेंगे लाइनों के ऊपर। जब लाइनों का टाइम आएगा, डायलॉग्स का टाइम आएगा, तो हम प्रॉपर डिटेल में डिक्शन पे, कैसे स्क्रिप्ट को याद करना है उसके ऊपर, कैसे बोलना है, कैसे फील करना, पूरा डिटेल में काम। तो आप भी इसी तरह से विदाउट लाइंस, विदाउट डायलॉग्स, अलग अलग सिचुएशंस को परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए, अलग अलग इमोशंस को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए, जैसे दुख है, खुशी है, डरना है, गुस्सा है, हंसना है, मजाक उड़ाना है, बहुत सारे फीलिंग्स, बहुत सारे इमोशंस आपको मिल जाएंगे। और इस तरह जब हम करेंगे तो एज एन एक्टर हमें हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल जो है उसको डेवलप करने में हमें बहुत फायदा होगा, बहुत हेल्प मिलेगी। और एक बात और मैं बोलना चाहूंगा कि एज एन एक्टर अगर आप सिर्फ लाइनों पे डिपेंड होते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है जब आपके पास लाइनें नहीं है या आपको डायलॉग्स नहीं है और आप फ्रेम में हैं, आप शॉट में हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि एक्टर ये समझ नहीं पाता है कि वो कैसे बिहेव करे, कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि उसे लाइनों की आदत है, लाइनों के ऊपर डिपेंड है वो। और एज एन एक्टर मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, जो भी मैंने काम किया है, जो भी प्रोफेशनल प्रोडक्शन हाउसेस हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, जब आप उनके साथ शूट करते हैं या आप उनके लिए ऑडिशन देने जाते हैं, तो वो लोग सबसे पहले आपको कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसके बाद वो आपको सिचुएशन समझाते हैं, उसका फील क्या है वो समझाते हैं, उसके बाद वो आपको स्क्रिप्ट देते हैं। रीज़न क्या है कि जब आपको कैरेक्टर बताया जाता है तो कैरेक्टर का फील आता है, उसके बाद जब सिचुएशन बताई जाती है तो आप उस कैरेक्टर के हिसाब से, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप फील करना या इमेजिन करना शुरू करते हैं। और इसी तरह ऑडिशन में भी होता है और एंड में वो लोग स्क्रिप्ट देते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट हाथ में आने से पहले आप कैरेक्टर को और सिचुएशन को समझ चुके होते हैं, तो फिर उसके बाद वो लाइनें बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है।